हाल ही में कोलकाता की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं जीरकपुर से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 12वीं की छात्रा के साथ स्कूल बस चालक ने बलात्कार किया। पीड़िता ने बताया कि वह चंडीगढ़ के एक निजी स्कूल में छात्रा है। स्कूल बस का ड्राइवर अक्सर उसका पीछा करता था और एक दिन आरोपी ने उसे स्कूल की पार्किंग में जबरन रोक लिया। दोस्ती करने के लिए कहा, छात्रा ने विरोध किया और मना कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर ने उसकी फोटो एडिट करके उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने उसका पीछा करना बंद नहीं किया और एक समारोह से उसकी एक तस्वीर को एडिट करके उसे नग्न कर दिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। 18 मई को जब परिवार घर पर नहीं था तो वह जबरन घर में घुस गया। उसने धमकी दी कि अगर उसने शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो वह उसकी छोटी बहन को मार देगा। पीड़िता डर गई और आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने मुफ्त तस्वीरें वायरल करने और उसकी बहन को जान से मारने की धमकी देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। एक दिन जब उसकी तबीयत खराब हुई तो परिजनों ने कारण पूछा तो उसने पूरी कहानी बता दी। इस बीच स्कूल बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान मनीमाजरा निवासी के रूप में हुई है। जीरकपुर थाना प्रभारी जसकंवल सिंह सेखों ने बताया कि उन्हें पीड़िता की शिकायत मिली थी, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए FIR दर्ज कर ली है। पर अब देखना यह होगा कि बस ड्राइवर के ऊपर सच में कोई एक्शन लेती है या नहीं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।